कक्षा छठवें विज्ञान, मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 12 प्रकाश और इसके प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक तथा मानव निर्मित होते हैं। वस्तु को देख पाने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यही प्रकाश वस्तुओं से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु रखने पर वस्तु के दूसरी ओर का वह क्षेत्र जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है पूर्ण छाया या प्रच्छाया, तथा जहां कुछ भागों से प्रकाश पहुंचता है उसे उपछाया कहते हैं। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण क्रमशः पृथ्वी तथा चंद्रमा की छायाओं के कारण होते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, चिकने सतह से टकरा करके वापस जाना। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? उत्तर है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उसे देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किन्हीं 4 मानव निर्मित स्रोतों के नाम लिखिए और प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो मानव निर्मित स्रोत हैं, नंबर 1 मोमबत्ती है, नंबर 2 टॉर्च है, मशाल है, नंबर 3 विद्युत बल्ब है, नंबर 4 तेल लैंप है। अब प्राकृतिक स्रोत भी है, नंबर 1 सूर्य है, नंबर 2 चंद्रमा है, नंबर 3 तारे हैं और नंबर 4 जुगनू है। ऐसे कीट का उदाहरण दीजिए जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जुगनू एक ऐसा कीट है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। सही विकल्प चुनिए। तो यह है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो ये 8 मिनट का समय लेता है बच्चों, यानी कि घ वाला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है, जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी के प्रच्छाया के मध्य से गुजरता है तब होता है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो ये आपका क वाला हिस्सा सही है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। और पहले वाले में क्या था, 8 मिनट था। अब चलिए नंबर 3 में, दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होने के कारण व्यक्ति की छाया की लंबाई होती है। कैसी होती है? वो न्यूनतम होती है, यानी ख वाला पार्ट आपका सही है। आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये पहला है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है कहलाती है। तो प्रकाश स्रोत लिखना है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रकाश स्रोत। अगला है नंबर 2, प्रकाश रेखा में चलता है। तो सीधी रेखा में चलता है बच्चों, ये सीधी रेखा, यहाँ पे क्या लिखना है, सीधी रेखा। अगला है नंबर 3, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्रमशः पृथ्वी तथा की छायाओं के कारण पड़ते हैं। तो क्या है ये, चंद्रमा है ये, यहां आएगा चंद्रमा। अगला है नंबर 4, किसी चमकदार सतह से प्रकाश की दिशा में परिवर्तन क्रमशः कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन। तो यहां क्या लिखना है, परावर्तन। परावर्तन कहलाता है। अगला चलते हैं, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तब प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। तो देखते हैं जरा क्या है, पहले तो दिया है चाल, दिया हुआ है चाल कितनी दी है, 3 लाख किलोमीटर, यानी 3 है और 5 जीरो लगेगा बच्चों, ये 5 जीरो हो जाएगा, इतने किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए इसके बाद क्या दिया है, दूरी भी दे रखी इन्होंने, दूरी कितनी दी हुई है, 4 लाख किलोमीटर, यानी कि 4 है और कितनी जीरो है, 5 जीरो है इसके अंदर। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गए इसमें जीरो, ठीक है, इतने किलोमीटर है ये।
तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय जो होता है वो होता है दूरी बटे चार। तो दूरी हमारी 4 लाख है और जो चाल है वो 3 लाख, तो ये पूरा का पूरा 0 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 4/3 सेकेंड आ जाएगा, ये सेकेंड होगा और इसको जब भाग देंगे तो ये 1.33 सेकेंड हो जाएगा। तो इतना समय लगे यानी बहुत कम समय लगता है बच्चों। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इतना समय लग जाता है। तब आगे देखते हैं हमारे प्रश्न में और क्या क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में प्रकाश 8 मिनट का समय लेता है तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है बच्चों, ये 4 गुणा समय, चाल इन्होंने दी है 3 लाख, तो 3 लाख रख दिया, और समय जो दिया हुआ है कितना है 8 मिनट है बच्चों, तो 8 मिनट के समय में बदल दीजिए। समय को देखो बदल के दिखा रहा हूं मैं, समय जो है 8 मिनट है, तो मिनट को बदलना है सेकंड में, तो 8 गुणा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इतने सेकंड हो जाएगा, तो 8 × 48 यानी 480 सेकंड हो गया। तो ये सेकंड लिख देंगे आप, तो ये सेकंड 480 से गुणा कर दिया, समय 480 यहां रख दिया गया, इसकी गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 144, फिर 30 और फिर 30 और है इतने किलोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ये 10 करोड़। फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर होगा। तो यही आता सूर्य से पृथ्वी की दूरी, 144, फिर 00, फिर 30 और है किलोमीटर है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रच्छाया और उपछाया में अंतर बताइए, देखते हैं क्या अंतर है हमारा। तो यह है उत्तर में, नंबर एक, प्रच्छाया यह वस्तु की पूर्ण छाया होती है जहां प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, यह भाग पूरा अंधेरा होता है। उपछाया क्या होती है, इस भाग में प्रकाश की कुछ किरणें ही पहुंच पाती हैं जिससे उस भाग में धुंधली सी छाया बनती है। आगे है, पूर्ण चंद्रग्रहण तथा खंड चंद्रग्रहण क्यों होते हैं, जब कभी पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में से होकर गुजरता है तब पूर्ण चंद्रग्रहण होता है, लेकिन जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की प्रच्छाया में से गुजरता है तब चंद्रग्रहण खंड चंद्रग्रहण होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण क्यों नहीं होता, पूर्णिमा की रात में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, जब कभी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा सूर्य द्वारा बने पृथ्वी की प्रच्छाया में से होकर गुजरता है, इस स्थिति में पृथ्वी के किसी भी हिस्से में चंद्रमा का वह भाग नहीं दिखाई देता जो पृथ्वी की प्रच्छाया में होता है, यह घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो ऐसा संभव नहीं है, अतः प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता। खंड अथवा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए आवश्यक सावधानियां बताइए। सूर्य ग्रहण को सीधे देखना आंखों के लिए खतरनाक होता है, किसी पर्दे या दीवार पर बने सूर्य के प्रतिबिंब की सहायता से सूर्य ग्रहण को देखना सदैव सुरक्षित होता है, इसके लिए एक पुट्टे पर बारीक गोल छिद्र बनाकर आप इसे सूर्य की किरणों के लंबवत रखते हुए सूर्य की ओर पीट करके दीवार पर सूर्य का प्रतिबिंब देखना चाहिए, इससे हम दूरदर्शन के सीधे प्रसारण के द्वारा भी देख सकते हैं। परावर्तन की घटना के लिए किस प्रकार की सतह होनी चाहिए, तो उत्तर है बच्चों इसका, परावर्तन के घटना के लिए चिकनी पॉलिश युक्त तथा चमकदार सतह होनी चाहिए, तभी परावर्तन की घटना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। प्रकाश प्रकाश के 4 विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। नंबर है, प्रकाश के 4 विभिन्न स्रोतों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 टॉर्च और नंबर 4
मोमबत्ती। किसी स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश किस प्रकार गमन करता है? तो किसी स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सचित्र वर्णन कीजिए। नंबर एक है चंद्रग्रहण और नंबर दो है सूर्य ग्रहण। तो देखते हैं उत्तर क में चंद्रग्रहण। पूर्णिमा की रात में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। कभी कभी जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की प्रच्छाया में से होकर गुजरता है। इस स्थिति में पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता है जो पृथ्वी की प्रच्छाया में होता है। इस घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं। तो ये आपको दिखाया गया है। देखो यहाँ सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की छाया यहाँ पे पड़ रही है इस चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पे जितनी पड़ेगी उतना चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देगा। अगला है सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है। कभी कभी जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा ढक दिए जाने के कारण वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये सूर्य है आपका, सूर्य से ये बीच में चंद्रमा है और यहाँ पे ये पृथ्वी है, तो कुछ हिस्से पे इसकी छाया पड़ रही है जिससे सूर्य ढक जाता है। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। प्रयोग द्वारा समझाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो इसके लिए उत्तर है, ये आवश्यक सामग्री आप लोगों के सामने है, मोमबत्ती जो दिखाई दे रही है, माचिस, स्ट्रा या कागज को मोड़कर बनाई गई नली। ये नली बना करके देख रहे हैं जिससे कि ये प्रकाश सीधी रेखा में, नली को अगर मोड़ दिया जाएगा तो ये मोमबत्ती हमें दिखाई नहीं देगी। इससे सिद्ध होता है कि ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखो सीधी होने पर यह सीधी रेखा में दिखाई देती है मोमबत्ती, लेकिन अगर सीधी नहीं है तो ये दिखाई नहीं देगी मोमबत्ती। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रयोग है, सर्वप्रथम एक मोमबत्ती जलाते हैं, एक्स्ट्रा या नली के एक सिरे को मोमबत्ती की लौ के सामने रखते हैं, नली के दूसरे सिरे से लौ को देखते हैं। इस स्थिति में लौ दिखाई देती है। अब नली को बीच में थोड़ा मोड़ते हैं और जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं। इस स्थिति में लौ दिखाई नहीं देती है। निष्कर्ष, पहली स्थिति में नली सीधी है जिससे होकर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देती है। दूसरी स्थिति में नली मुड़ी हुई होने के कारण लौ हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब प्रकाश टेढ़े मेढ़े होकर के नहीं चलता है। यदि चंद्रमा का आकार बढ़ा दिया जाए तो सूर्य ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है इसका, यदि चंद्रमा का आकार बढ़ा दिया जाए तो पृथ्वी का पूर्ण क्षेत्र में चंद्रमा की छाया आ जाएगी और चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरी तरह ढक दिया जाएगा तथा वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इस तरह से पूर्ण सूर्य ग्रहण की यह परिभाषा हो जाती है। और ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपका लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है और क्या चीज बना के भेजनी है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखते रहिए मेरे चैनल को, सहयोग करते रहिए। थैंक यू।